लेकर के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश भर में भव्य आयोजन हो रहा है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं, एक तस्वीर है, यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी जुटे हुए हैं और सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। किस तरह का ये विरोध, हम बात करते हैं हमारे बीच धनंजय ठाकुर जी है, प्रवक्ता है, बताएंगे किस तरह का ये विरोध है। ये किसी का विरोध नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को धर्म विरोधी बताना चाहते हैं, हम उसको बताते हैं कांग्रेस धर्म विरोधी नहीं है। और अयोध्या में श्री राम जी लला का स्थापना हो रहा है, ये खुशी का क्षण है जो कांग्रेस के पार्टी हनुमान जी के मंदिर के सामने बैठ के हम हमारे जो छत्तीसगढ़ के भांचे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, हम उसका उत्सव मना रहे हैं। सद्बुद्धि के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग की जो आदत है, ये अभी जो नया हिंदुओं की परिभाषा जो बना रहे हैं ना, अभी मैं होर्डिंग देख रहा था, एक विधायक का फोटो लगा था, कट्टर हिंदू लिखा था उसमें। ये तो आजकल प्रमाण पत्र बांटने लगे हैं, लेकिन हिंदू धर्म, संस्कृति और सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में कम से कम वो लोग हमको ना बताएं। अभी जो नया में ये हिंदू बने हैं ना, वो पहले पूरा संस्कृति धर्म ज्ञान को पहले पढ़ ले, उसके बाद हमको हमारे बारे में बात करें। प्रदर्शन अन्य जिलों में भी हो रहा है? ये प्रदर्शन नहीं है, भगवान राम का सुंदर कांड का पाठ है, और हम लोगों ने कांग्रेस भवन सुंदर कांड का पाठ का आयोजन किया है और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। भगवान राम के विषय में कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। गांधी जी के समय से भगवान राम हम लोगों के लिए प्रासंगिक रहे हैं और भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ आराधना है, वो चल रहा है। कांग्रेस भवन में ही जो हनुमान मंदिर है, वहाँ परिसर से सद्बुद्धि पाठ है वो किया जा रहा है बकायदा। और ये आयोजन सिर्फ रायपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में आह्वान किया है कांग्रेस ने, और एक सद्बुद्धि यज्ञ है, जो प्रार्थना है वो यहाँ पर सतत जारी है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 8 रायपुर, छत्तीसगढ़।